सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस एक्स टू के बारे में। तो वन प्लस अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम होने वाला है वन प्लस एक्स टू। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे बहुत पहले वन प्लस ने ये एक सीरीज में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि उतना पॉपुलर स्मार्टफोन नहीं रहा। तब से वन प्लस ने उस सीरीज को बंद कर दिया और वन प्लस तब से सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेज लॉन्च करते आ रहा है। तो अब रिपोर्ट निकल के ये सामने आ रहा है कि वन प्लस बहुत जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम होने वाला है वन प्लस एक्स टू। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 835 का चिप सेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन का 835 का चिप सेट ये दो वेरियंट के साथ आएगा, जहाँ तक पता चली है 4 GB 32 GB और 4 GB 64 GB। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें बताया जाएगा कि डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, लेकिन कन्फर्म डिटेल नहीं है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक पता चली है 16 MP इसमें आपको बैक और 16 MP इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के, तो इसमें एक हाईलाइट फीचर ये है कि इसकी जो प्राइस होने वाली है, ये प्राइस होने वाली लगभग $270 के अंदर ही। एटलीस्ट आपको ये 15-16 हज़ार में ये फ़ोन देखने को मिल जाएगी अगर लॉन्च करता है। तो सोच के देखिए, आपको 16-17 हज़ार में स्नैपड्रैगन का 835 चिपसेट मिले तो कितनी अच्छी बात होने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो 18 में अगर 9 डिस्प्ले नहीं भी देता है, एटलीस्ट हमें डुअल कैमरा ही दे देता है और स्नैपड्रैगन का 835 चिपसेट देता है। तो आप लोगों में से मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन को कंसिडर करना सही समझेंगे सिर्फ उसके चिपसेट के कारण। तो अगर ये फ़ोन आता है तो डेफिनेटली Xiaomi Redmi Note 5 को बहुत ज़्यादा टक्कर देगा, क्योंकि इसमें आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छे स्पेस देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन का 835 और स्नैपड्रैगन का 630 या फिर 636 कहीं भी कम्पीट नहीं कर पाता है। 835 से धमाका हो जाएगा। देखते हैं कि कब वन प्लस इस डिवाइस को लॉन्च करता है। अभी तक तो बस लीक्स निकल के सामने आना स्टार्ट हो गई कि वन प्लस ऐसा फ़ोन डेवलप कर रहा है जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और जिसकी प्राइस होने वाली है 17 हज़ार के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है। और आप क्या आप लोग चाहते हैं कि वन प्लस भी मिड रेंज डिवाइसेस फ़ोन लॉन्च करें, तो काफ़ी अच्छा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि क्या होता है, आपको चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।